तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में। तो बात ये है, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, या फिर एक्चुअली आज का ब्लॉग नहीं, इसके बाद वाला जो ब्लॉग आएगा वो बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। क्यों? क्योंकि 9th मई को था रविन्द्रनाथ ठाकुर उनका बर्थडे, 25वां बैशाख। और आप लोगों को तो पता ही है पूरे इंडिया में उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, लेकिन हम बंगालीज में उनके नाम का एक अलग ही क्रेज है। मतलब हमारे जन्म से लेके मरण तक हम बंधे हुए हैं उनके साथ। तो उनके जन्मदिन में हम, मतलब मेरे घर में या फिर मेरे दोस्त के घर में हर बार कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता है, प्रोग्राम्स होता है। उस प्रोग्राम में छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कोई गाना गाता है, कोई पोएम बोलता है उनका। लेकिन इस साल थोड़ा सा डेट आगे बढ़ चुका है, जो 9th मई को होने वाला था वो हो रहा है 14th मई को। तो चलिए उसी की रिहर्सल में आपको लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बैठे सभी लोगों का मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये मेरे एक भैया है, एक्चुअली ये मेरे कॉलेज के सीनियर है, एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद से कंटिन्यू हो रहा है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है मैं भैया को बोलती हूँ, भैया चले आओ। भैया को चाहे कितना भी काम हो, भैया आ जाते हैं। और ये है मेरी स्कूल की एक जूनियर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिसाइटेशन करती है ये, और गाना तो मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा गाती है। चलो आपको सुनाती हूँ कुछ कुछ। और ये रही मेरी बेस्ट फ्रेंड रोशनी, कुछ गाना सुन रही है शायद। वैसे आज मैं कोई भी बकवास नहीं करने वाली हूँ, आज मैं सिर्फ आपको ये रिहर्सल का गाना सुनाऊंगी। तो चलिए। वैसे आप लोगों को हमारा गाया हुआ ये रविंद्र संगीत कैसा लगा बताइए कमेंट में। और हमने रिहर्सल ना शुरू किया था शाम के 6 बजे और अभी बजने को आया है 10 बजे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा गाना जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सुष्मिता भी अपने घर जाने वाली है, 10 बज चुके हैं अभी, और थोड़ी देर हम बैठेंगे और कैसे ऑर्गेनाइज होगा सब कुछ वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हमारा ये कंप्लीट होगा। वैसे एक लिस्ट बनाई है हमने, और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं लेकिन वो आज आए नहीं, तो हम चारों ही यहाँ पे बैठ के थोड़ा रिहर्सल कर रहे थे। अभी वीडियो कोड थी श्रुति थक बना ना वाले श्रुति यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और हम दादा को कह रहे हैं जाने से पहले हमको एक गाना सुना के जाओ। वो गिटार बजाते रहते हैं, हमको कोई गाना नहीं सुनाते हैं वो। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक गाना कोई भी हो वो चलेगा, लेकिन गाना गाना पड़ेगा। तो नहीं,
हमारे दादा यहाँ पे अरिजीत सिंह का कोई गाना सुनाने वाले हैं। चलो वो कहते हैं कि वो सिंगर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो वो नहीं गाएंगे। तो हम कह रहे थे हम भी कहा है प्रोफेशनल, तो चलो सुनते हैं। बंगाली लड़कों के नखरे, और ये ही बता रहे थे कि इनको गाना नहीं आता। और गाना सुन के मेरे ख़ानदान का चश्मो चिराग मेरा शातिक भी आ चुका है। और चलो आज का इतना ही था, अब ये दोनों भी घर जाएंगे। और आज का ब्लॉग इतना ही। बताओ कि आज के ब्लॉग में आप लोगों को ये गाना, मतलब ये म्यूज़िकल वाला शाम कैसा रहा, कैसा लगा? और मैं अपना हिंदी बहुत इम्प्रूव कर चुकी हूँ ना, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।